हेलो दोस्तों, मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। तो आज जो है हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट सीटेट का कब है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े इतने कम समय में और कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सीटेट 2023 की जो है एग्ज़ाम डेट आपकी रखी गई है 20 अगस्त। 20 अगस्त 2023 को सीटेट एग्ज़ाम कि जो डेट है फिक्स की गई है, ठीक है। सीटेट एग्जाम में जो है एक नया बदलाव आया है। क्या आप देख रहे थे अभी 2021 में, 2022 में, 2000 जो है 21-22 में जो है आपका ऑनलाइन पेपर हुआ सीटेट का, जबकि आपका 2020 में जो है आपका जो एग्जाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। तो 21 और 22 में जो आपका एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, जिससे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे थे। कुछ बच्चों को जो है माउस चलाना नहीं आता, तो कुछ बच्चों को जो है कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कुछ बच्चों को जो है टाइपिंग नहीं आती। टाइपिंग वैसे तो सीटेट में ज़्यादा कोई मतलब नहीं टाइपिंग का, बस एक बार अपना डाटा डालते हैं उसके बाद तो टाइपिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, कहीं ना कहीं बच्चों का समय बर्बाद होता हो रहा था, उन बच्चों का जिन बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बेसिक भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और हालांकि इस तरह उनका पेपर छूट जा रहा था। तो इस बार सीटेट ने क्या किया है कि सीटेट जो है ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन किया है, सीटेट ऑनलाइन हटा दिया गया है और इस बार क्या है सीटेट का जो मोड रखा गया है वो ऑफलाइन रखा गया है। यानी जो 20 अगस्त 2023 को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका कैसे होगा, ऑफलाइन होगा। आप सेंटर पे जाएंगे, जैसे आपको 2020 में आपको कॉपियां मिलती थी, उसके पहले जो आपको कॉपियां मिलती थी आप फिल करते थे ओ एम मार्क पे, उस तरह ही आपको इस बार भी मिलेगा। और आप जो है उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जिन बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिन बच्चों को माउस चलाना नहीं आता था, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, आराम से आप पढ़िए और बेफिक्र होके अपने पेपर की तैयारी कीजिए, ठीक है। फिर हमारा बात करते हैं कि इतने कम समय में क्या पढ़े क्या छोड़े। जाहिर सी बात है आपके पास टाइम नहीं बचा है, आपको जितना पढ़ना था थ्योरी में आपने पढ़ लिया, अब उतना इनफ है। अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपने जो भी आपने पढ़ा है अब उसका रिवीजन कीजिए। और अब क्या करेंगे जो है हर सब्जेक्ट का, जैसे आपका हो जाएगा 2011 से लेके 2000 आपका 22 तक जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके, उन सभी पेपर्स को क्या करेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे। उन सारे पेपर्स को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा, सीटेट आपकी निकल जाएगी। और इस बार आपको सीटेट सिर्फ निकालना नहीं है, आपने सुना 1/4 जो है भाग सीटेट का हो या यूपीटेट का हो आपका वैकेंसी में जुड़ेगा सुपर टेट में, ठीक है। तो आपको ये लेकर चलना है कि ऐसी तैयारी करें जिससे आपका 1/4 जो है जुड़ सके और अच्छा जुड़ सके, आपका जो है परसेंटेज अच्छा आ सके। इस बार आपका पात्रता को न लेकर आपको चलना होगा वैकेंसी के आधार पे। तो आप क्या करेंगे 2011 से लेके 2022 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है आपका प्रीवियस ईयर का, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि मैं तो सजेशन यही करती कि आप जितने भी स्टेट के जो है आपका एग्ज़ाम हुआ है उन सारे स्टेट के जो प्रीवियस ईयर करें, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर जो है वो आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, CDP हो, मैथ हो, इन सारों को आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। रही बात आपका बहुत बच्चों का होगा संस्कृत वीक होगा, बहुत बच्चों का इंग्लिश वीक होगा और बहुत बच्चों का मैथ वीक होगा, तो इसमें क्या करें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो है CDP में सबसे ज़्यादा रोल पेडागोजी का है। आपने क्वेश्चन अगर समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन मेन आपका है कि क्वेश्चन समझना है, आपने अगर क्वेश्चन समझ लिया तो सीटेट में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको।
इसलिए आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। 15 नंबर का आपका पैडागोजी होता है, जो 15 नंबर का आपका जो एक कॉन्सेप्ट होता है, तो 15 नंबर आपका अगर मैथ में पैडागोजी आपने कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे, आएंगे वापस, तब आप 15 नंबर का क्या देखेंगे, मैथ में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसके, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि अगर आपने उसका पहले सबसे पहले पैडागोजी किया, उसके बाद अब आकर मैथ उठाएंगे, तब आप जाके देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ चुकी है, आप कहीं ना कहीं कम से कम 10 क्वेश्चन तो सही कर ही देंगे। मैथ की जो सीटेट की जो मैथ है इजी आती है, फिफ्थ क्लास की जो 1 to 5th है वो ठीक है, नॉर्मल आती है, सब कर ले जाएंगे। फिर भी अगर आपका जो है मैथ जो है आपका पैडागोजी निकल जाएगा, तो आपको मैथ में तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश की भी जो है आपकी पैडागोजी का रोल है, आपको समझना होगा। एक तो उसमें पैराग्राफ नंबर दे देता है, पैराग्राफ आपने कर लिया अच्छे से, उससे नंबर मिल जाएगा। पैडागोजी पे ध्यान देना है, वहाँ पे आपको देखना है निगेटिव और पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पॉजिटिव पे ही मार्क करना है, अगर वो निगेटिव क्वेश्चन कर रहा है तो आपको निगेटिव पे ही मार्क करना है। ये तरीका है आपका एग्जाम में जो है क्या है, क्वेश्चन का आंसर देने का, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया, उसके बाद है कैसे पढ़ें। हमने बता दिया कि कैसे पढ़ें, आप प्रैक्टिस सेट उठाइए प्रीवियस ईयर की, या तो आप बुक ले लीजिए, या फिर आप करिए, फ़ोन सबके पास है, गूगल ऑन कीजिए, वहाँ पे जाइए, आप सर्च कीजिए प्रीवियस ईयर सीटेट, सारे पीडीएफ आपके आ जाएंगे। 2011 से लेकर 2020 जो है आपके 22 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आ जाएंगे, आप उन्हें देखिए, एनालाइज कीजिए। जो आपका नहीं, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, उसे आप क्या कीजिए, एक जगह पे नोट कर लीजिए और उसे एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जो आपको आता है उसको छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए प्रैक्टिस सेट कैसे और कहाँ से करें, तो हमने बता दिया ये भी कि आप नेट से भी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ निकाल सकते हैं, या फिर जाके आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। बुक आप कौन सी लें, या तो आप यूथ की ले लें, या तो आप घटना चक्र की ले लें, ठीक है। घटना चक्र आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा आपको जो है पैडागोजी देखने को मिलेगा। अब पैडागोजी इससे आपको यही पता चलेगा, सिर्फ अगर सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा पैडागोजी पे ध्यान देना है, तो आप क्या करेंगे, पैडागोजी पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हम बात कर चुके हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ना होके आपका ऑफलाइन होगा, और यहाँ पर जो है 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम का डेट फिक्स किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप अपनी तैयारी को अच्छे से और जो है अपनी तैयारी कर सके एग्ज़ाम की। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।